हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ताशु डॉट तन में यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बना रहे हैं चने की दाल की हलवा। तो ये चने की दाल है जिसको मैंने 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब इसको हम अच्छे से धुल के निकाल लेंगे पानी से, और दूध में इसको स्लो फ्लेम पे बिल्कुल पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तो मैंने चने की दाल लगभग 1 कटोरी ली थी, तो इसलिए मैंने 1 ग्लास दूध लिया है। तो आप उसी, आप इतना दाल ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप मिल्क ले लो। अब इसको ये पकने लगा है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम स्लो करके गैस को ढक देंगे। अब ये देखिए अच्छे से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। फिर इसको भी हम 5-7 मिनट के लिए और ढक देंगे ताकि थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अभी वो उतना सॉफ्ट नहीं हुई है। ये तो हमारी दाल पूरी तरह से हो चुकी है। अब इसको हम एक जार में निकाल लेंगे। आप इसको थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ही निकालिए, 5 मिनट बाद। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम कढ़ाई को रखेंगे गैस पे। मैंने उसी कढ़ाई को रीयूज़ किया है, और इसमें हम डाल रहे हैं घी, इलायची पाउडर, मैंने 4 इलायची लिया था, इसको मैंने अच्छे से कूट लिया था। अब इसमें हम डालेंगे चने की दाल जो हमने पीसी हुई है। हम इसको हल्के हाथ से चलाते रहेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसको बंद, मतलब चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, हमें इसको चलाते रहना है। इसको हम करीब 10 से 15 मिनट तक ऐसे इसको चलाएंगे, अच्छे से भूनेंगे इसको ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे मावा, और ये मैंने थोड़ा सा काजू और बादाम डाले हैं, और ये मावा मैंने घर पे बनाया था, बिल्कुल फ्रेश मावा है। तो इसको डालेंगे, चीनी डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, जितना हमें मीठा खाना है उतना ही डालेंगे हम। अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे एक दूसरे में घी, और ये हमने एक बर्तन में एक प्लेट पे घी लगा लिया अच्छे से। ये हमारा मिक्सचर हो गया बिल्कुल तैयार। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए अब इसको हम बिल्कुल सेट कर लेंगे, गोल करके इसको फैला देंगे। ये देखिए इसको हाथ से इस तरह से कर लेंगे ऐसे। अब ये हमारा पूरी तरह से सेट हो गया है। अब इसको हम कट कर देंगे बर्फ़ी के शेप में या जिस भी शेप में आपको चाहिए। ये जब गर्म होता है तभी इसको कट करते हैं हम, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये कट नहीं होता है अच्छे से। तो ये इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। जल्दी बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से सॉफ्ट हाथों से हमें इसमें कट करना है। और ये देखिए तो ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम 2-3 घंटे के लिए रख देंगे, ठंडा हो जाएगा जिससे जम के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल
बनके रेडी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।